शहर के मुगलकालीन क्षेत्र में करीब 500 से ज्यादा साल प्राचीन नाथ संप्रदाय का मंदिर है। मंदिर करीब 6.5 बीघा में फैलदार वृक्षों से भरा है, लेकिन अब आलम कुछ ऐसा है कि भगवान शिव के इस बाग को भू माफिया कौड़ियों के दाम बेच दिए हैं। जो डीजीपी सुलखा सिंह जी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उन तरह से आप कैसे परिचित हैं और किस तरह से आपकी मदद की उन्होंने इस मामले में पूरे में? श्री सुलखान सिंह जी मेरे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के साथी हैं, बैचमेट हैं। मैंने और उन्होंने 1974 में प्रवेश लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में, और मैंने और उन्होंने ग्रेजुएशन किया है रुड़की से। उसके बाद उन्होंने एमटेक किया है, मैंने भी एमटेक किया है। उसके बाद में उन्होंने आईपीएस में सेलेक्ट हुए और मैंने पीएचडी की। पीएचडी के बाद में आईटी रुड़की में ही लेक्चरर था। उसके बाद में दिल्ली आईटी में कई जगह पर डायरेक्टर भी रहा हूँ, और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेंकट चलैया जी के साथ में जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था का अधिकारी रहा हूँ। वहाँ जो सिस्टम है वो मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ है, और यूनिक टाइप का मतलब पावर सिस्टम है, जो हिंदुस्तान में बिजली रहे न रहे लेकिन आपकी कृष्ण जन्मभूमि पर बिजली रहेगी। और उस सिस्टम का नाम है हाइब्रिड पावर सिस्टम। उस पर अनेक शोध पत्र विश्व स्तरीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, आप चाहें तो उसे गूगल सर्च पे देख सकते हैं।